नमस्ते नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज। मैं आपके साथ सन्नी सिंह। आज हमारे साथ हैं भोजपुरी और मगही के गायक सिंगर बिशु सिंह। मैं इनसे कुछ खास बातचीत करता हूं। सबसे पहले हमारे न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। मैं आप सभी का भाई बिशु सिंह और फटाफट न्यूज से जो भी देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम है पैर छूकर। और पूछिए सन्नी। सबसे बड़ी बात ये है कि आप काफ़ी अभी चर्चा में आए हुए हैं और पिछले होली में अभी पूरा आपका 15 से 20 मिलियन गाना होली वाला क्रॉस किया था। मतलब दर्शकों का प्यार तो लगातार आपको मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ गाना मैं आपका सुना हूँ और दर्शकों के तरफ से आया था, थोड़ा अश्लीलता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो कि भोजपुरी और मगही में चल रहा है? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि अश्लील गाना नहीं आना चाहिए और इस पर जैसा कि हमारे बड़े भैया गुंजन भैया भी बोले थे कि सेंसर बोर्ड आना चाहिए भोजपुरी और मगही में, तो मतलब आदरणीय बड़े भैया गुंजन भैया भी बोले थे ये बात, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा ऐसा आपको नहीं लगता है कि भोजपुरी और मगही में कुछ ऐसा लतखोर सिंगर है जो कि सेंसर बोर्ड आने के बाद भी गाना गाना नहीं छोड़ेंगे अश्लील? देखिए, वैसा उन लोग की सोच पे डिपेंड करता है और जो भी गाएंगे वो खुद ब खुद वो कट जाएगा जब सेंसर बोर्ड ही रहेगा। बहुत सारे सिंगरों का मैं गाना सुना था, अहिरनमा रोटोगे, बबुअनमा रोतोगे, फलनमा रोतोगे, आपका भी एक गाना आया था खलसिया रोटो डे बरवा टोटो। हाँ। ये गाना मैं सुना था। मतलब आप भी किसी से कम नहीं है। आपका कहने का मतलब ये हुआ कि मैं भी किसी से कम नहीं, अगर तुम किसी और के ऊपर गाए हो तो मैं भी गाऊंगा लेकिन गाऊंगा। तो आप इस तरह का गाना क्यों गाए हैं और क्या भाव था उसका, जरा ये बताइएगा कि पहले आपको गाना क्या लाइन था ये बताइएगा। देखिए, गाना इस प्रकार से है कि अरे अगला सीट बैठा के तोरा हॉर्न दबाओगे आ ओने ड्राइवरवा टोतोगे आ एने खलसिया रोतोगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे सिखा रहा है ड्राइवर, समझे, जैसे बैठा के सिखा रहा है तो बता रहा है कि हॉर्न है, अगर आगे आदमी आ जाए तो हॉर्न को दबा देना है। और खलसिया ड्राइवरवा टोतो खलसिया रोतो, तो कहने का मतलब ये है कि खलासी भी बैठल है, समझे। कितने दिन से आप गाना गा रहे हैं? गाना तो गा रहे हैं लगभग 3-4 साल हो ही गया। अच्छा, आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में मम्मी है, पापा हैं और बड़े भैया हैं एक। अच्छा, अब आप ये बताइएगा कि इस लाइन में आप कितने दिन से गाना गा रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से जी। 3 साल से आप गाना गाने का शुरुआत कैसे किया? आपके मन में कहाँ से आया कि नहीं मैं गाना गाऊँगा, कहाँ से आपके मन में आया? जैसे क्या होता है कि गांव और में देखते हैं कि झाल उल बजता है, समझे, बहुत मंगल और शनिचर के दिन नहीं देखिएगा बहुत बहुत हर एक जगह। हाँ, देवी स्थान में सब बैठता था, हमरो बुलाता था सब मिलके। अच्छा, कि जरा आओ बिशु तुम भी एक दो भजन गाओ, तो उसमें गाते थे तो सब मतलब कि आशीर्वाद दिए हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी थे, तो हमको बोले कि तुम बाबू आगे एल्बम भी निकालो, ये सब करो और बहुत अच्छा अच्छा गाना गाओ ताकि आगे तुम बढ़ो। गांव से गाते गाते आप स्टूडियो तक कैसे पहुंच गए, आप ये बताइए। गांव से गाते गाते हमारे सर हैं एक सुबोध सर, जो कहाँ के हैं? हैं झारखंड के हैं। अच्छा। जो कि नवादा में ही रहते हैं, तो शुरू में मैं उन्हीं से सीखा हूँ। और हमारे सर एक हैं राजीव सर, जो कि आज मतलब जो भी मैं कुछ गा रहा हूँ सर, वो सुबोध सर और राजीव सर का देन है। अच्छा, जिस गाने से दर्शकों ने आपको प्यार दिया है जी, लाखों करोड़ों व्यू दिए हैं जी, उस गाना का क्या भाव था जरा ये बताइएगा। गाना का भाव है अहिरान भूमिहार, जो गाना था आप लोगों ने बहुत सारा आशीर्वाद प्यार दिया है उस गाने को, वो गाना मतलब ब्लॉकबस्टर हिट किया पहले वो गाना जो हिट किया, तमाम दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं उसके बाद आप उस गाना का बोल बताइएगा। पहले वो तमाम दर्शकों का जो कि आपको 15 से 20 25 मिलियन उस गाने का व्यू दिए हैं, वो तमाम दर्शकों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ उन दर्शकों का कि जो इतना बड़ा गाना बनाए हैं, मतलब करोड़ में व्यू इसको पहुँचाने का काम किए हैं, तो मेरा पैर छूकर एकदम प्रणाम है कि आप लोग यूं ही आशीर्वाद बनाए रखिए बिशु सिंह पे। अच्छा, किस चैनल से ये गाना था आपका? ये चैनल आवारा म्यूजिक से था। अच्छा, ये सॉन्ग आवारा म्यूजिक जी, ये कौन चैनल का नाम हुआ? आवारा म्यूजिक एक ऐसा म्यूजिक चैनल है जो कि बहुत पॉपुलर है।
अच्छा जी, इसका नाम आवारा म्यूजिक का है, दूसरा में आवारा गर्दी होता है का? नहीं नहीं, आवारा गर्दी नहीं होता है। जैसे क्या है कि कुछ लोग मतलब कि आवारा जैसा बर्ताव हुआ था समझे, अच्छा उसी में जो ऑनर है ना डीजे सरफराज भैया हैं ऑनर इस आवारा म्यूजिक के। अच्छा। तो वही सोचे कि नहीं आवारा म्यूजिक सबसे परफेक्ट नाम रहेगा। अच्छा, अभी ने आपने जिनका नाम लिया डीजे सरफराज जी, तो जिस गाने आपका करोड़ मिलियन व्यू गया है जी, जी उस गाने में उनका क्या योगदान रहा? योगदान उनका पूरा योगदान ही उनका ही है। अच्छा, मैं सिर्फ गाया, और सबसे बड़ा बात कि गाना नहीं होता है, जो गा देता है वो बड़ा योगदान नहीं है। नहीं, योगदान ये है कि उसको मिक्स करना, रिलीज करना बढ़िया से, और उसका वीडियो रिलीज करना बढ़िया ढंग से, मार्केटिंग करना, तो वो सब काम तो हमारे भैया। मैं तमाम सिंगरों का इंटरव्यू भी लिया हूँ, तमाम जगह पे मैं गया भी हूँ, तो कुछ कुछ मैं उनके बारे में अफवाह भी सुना हूँ, तो तमाम सिंगरों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जो भी हैं, देखिए हम उतना बड़ा हैं तो नहीं मगही के जो कि हम किसी को राय दे सकते हैं, ये बस इतना ही कहेंगे कि एक रूल रेगुलेशन से चलिए, जो भी हैं बढ़िया से काम कीजिए और बढ़िया से गाइए, ताकि हमारे भोजपुरी और मगही का दोनों का नाम हो। चलिए, आपका गाना का बोल क्या था जरा ये बताइएगा। अहिरान भूमि। हाँ हाँ। अरे चढ़ते फगुना मा सुनैगे छौड़ी, वाह, आ चल नही उड़ानी उतार, अरे ऊपर डाली अहिर होई जाई गहिर, अनिचा मा से डाली है भूमि हार। अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ जरा ये बताइएगा, जैसे ऊपर से डाली। अच्छा, कोई भी ऐसा आप गाना भोजपुरी में बनाते हैं जी, ढोड़ी बीच में काहे आ जाता है, सब गाना में ढोड़ी का नाम काहे आता है बताइए। देखिए ढोड़ी का नाम इसलिए आ रहा है ना गाना में, क्योंकि ढोड़ी वायरल हो रहा है अभी, समझे, वायरल हो रहा है अभी नहीं, बहुत दिनों से ढोड़ी का नाम भोजपुरी में। किसी जैसे होता है ना कि प्रसाद बनाइए और उसमें चीनी नहीं डालिए तो मीठा नहीं होगा, तो मैं भोजपुरी और मगही में कोई ऐसा गाना नहीं जिसमें ढोड़ी नहीं आएगा, तो गाना का स्वाद ही नहीं आएगा, ऐसा का है भोजपुरी में। तो ढोड़ी मतलब एक तरह से समझिए ट्रेंड, भोजपुरी में ढोड़ी में हिट हो रहा है गाना, तो अगला भी गायक ढोड़िए पर गा रहा है। आप भी जातिवाद पे गाना गाए हैं ना? नहीं, जातिवाद देखिए, जातिवाद कब होता है भैया, कब होता है? जब हम एक जाति को लेकर चले तब हुआ जातिवाद, कि नहीं अपने जाति का नाम ले है। अच्छा, समझ लो, जैसे मगही के कलाकार हैं तो मगही बोल जरूरी, रहे हैं, जरूरी होना चाहिए, तो ऐसे हो कि मतलब कि खाली अपने जाति का नाम ले रहे, हमने सबके नहीं ले रहे, तो हम सबके मिला के चले हैं भैया। अच्छा, बोली गाना में सभी। अच्छा, आने वाला आपका गाना जो है उसमें आपका क्या क्या योगदान है, कैसा कैसा गाना आने वाला? आने वाला गाना है बहुत ही अच्छा मगही गाना है, और वो ऐसा गाना है कि हम बहुत मतलब कि सब माता बहन एक साथ बैठ कर सुन सकते हैं। किस चैनल से गाना आने वाला? गाना आवारा म्यूजिक से ही आएगा। अच्छा जी, बहुत बड़ा गाना, धमाका गाना, एकदम धमाकेदार गाना है, आप लोग इंतजार कीजिए उस गाने। अच्छा, आपके क्षेत्र के जो कलाकार हैं, जो सुपरस्टार हैं मगही के और भोजपुरी के, उनके बारे में दो शब्द क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में यही कहना चाहते हैं कि हमारे देखिए आदर्श एक मानते हैं हम, हमारे बड़े भैया पवन भैया आदर्श मानते हैं, और खेसारी भैया को, तो पवन भैया से ऐसा है कि हम मतलब थोड़ा सा मतलब सीखते हैं कि कैसा करते हैं, स्वर कैसा लेते हैं, कैसा आलाप लेते हैं, ये सब चीज़ सीखते हैं। खेसारी भैया से क्या है कि एक्टिंग सीखते हैं हम, कि एक्टिंग वो कैसे करते हैं, डांस बड़ा गजब करते हैं। अच्छा, पवन भैया और खेसारी भैया से मिले हैं कभी? देखिए मिले तो नहीं है, लेकिन अगर मिलेंगे तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य रहेगा। अच्छा अच्छा, आपके मगध क्षेत्र के सबसे बड़ा स्टार कौन है? मगध क्षेत्र के तो इसमें कहने वाली बात ही नहीं है, गुंजन भैया है। तभी आपने उनका नाम नहीं लिया। तो देखिए हम उन्हीं का नाम ले रहे हैं, बीच में आप गुंजन सिंह से मिले हैं कभी आप? बहुत बार मिल चुके हैं। आदर्श किसको मानते हैं? पवन सिंह को। आदर्श पवन भैया को मानते हैं। मिले मिले हैं किससे आप? गुंजन भैया से। तो पहले हमारे बतिए सुनबो। अच्छा बताइए। हाँ बताइए। पवन भैया को आदर्श मानते हैं भोजपुरी में, ठीक है। गुंजन भैया को मानते हैं मगही में। अच्छा, मगही में जैसे क्या होता है कि जैसा कि मैं देखा भी हूँ, सुना भी हूँ, करोड़ों लोगों ने प्यार भी दिया है जी। गुंजन सिंह तो मगही और भोजपुरी दोनों के सुपरस्टार हैं। तो देखिए हमारे जो क्षेत्र के हैं, जो क्षेत्र के मतलब शुरू में तो मगही है वो। अच्छा, ये कहावत आप सुने होंगे जी, घर उर में देखते होंगे, कहीं निकलते होंगे तो घर परिवार माई बहन हम सब के कहते थे कि घर भात तो जगतर भात, जगतर भात। हाँ। तो पहले जब तक घर वाला के याद नहीं कीजिएगा जब तक आगे नहीं। तो देखिए हम कहाँ बोल रहे हैं भैया, गुंजन भैया को भी आदर्श मानते हैं। मैं किसी सिंगर का नाम नहीं लूंगा, किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे लिए सब समान है, आप भी हमारे लिए समान है, आप भी गाने का काम कर रहे हैं, लोगों का मनोरंजन करने का काम कर रहे हैं और अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको भी मेरे तरफ से और हमारे पूरे टीम के तरफ से
से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन अश्लीलता को खत्म कीजिए और जो सिंगर अश्लीलता गाते हैं उनके बारे में जरा दो लाइन बोल दीजिए। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि अश्लील नहीं गाइए, ऐसा गाना गाइए कि सब बैठ कर सुन सके। उतना भी अश्लील एकदम पूरा नहीं कर दीजिए कि एकदम नहीं सुन सके, अब बंद करो बंद करो। अच्छा, जो अश्लील तमाम सिंगर अभी जो गा रहा है, भोजपुरी को इस तरह से शर्मसार और मघी को इतना नीचे कर दिया है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन अब आने वाले समय में भोजपुरी और मघी कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, जिस तरह से भोजपुरी और मघी को लोग बदनाम करके रख दिए। देखिए, वो तो है, लेकिन अब देखिए, अब उनको सोचना चाहिए जो भी मतलब गा रहे हैं। हम तो उतना बड़ा कलाकार हैं ना कि मना कर देंगे तो नहीं गाएंगे, चाहे कोई भी भोजपुरी के कोई भी हो। पवन भैया हैं, खेसारी भैया हैं, गुंजन भैया है, बहुत हैं, अंकुश भैया हैं, राजा, बहुत सारे सिंगर हैं बड़े भैया, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर मना कर देंगे तो बंद कर देगा। उनको खुद सोचना चाहिए। जैसा कि आपने देखे हैं और ये हमारे साथ थे बीसु सिंह, भोजपुरी और मघी के कलाकार, बहुत अच्छे भाई हैं और गाते हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या कहा कि भोजपुरी और मघी में जो भी अश्लील गाना गाते हैं उनको इस तरह से गाना नहीं गाना चाहिए, लेकिन इनका भी कहना है कि हम भी किसी से कम नहीं। अगर सब गाना गा रहा है तो मैं भी नहले पे छक्का मारूंगा। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।